हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान को जन्म दिया, विकास हुआ है, हिंदुस्तान की जनता को चूतिया बनाया। गांधी की जो यात्रा है ये हमको लग रहा है, पूरी तरह से विश्वास हो रहा है कि बहुत उभर के 2024 में अदानी अंबानी अमित शाह और मोदी दो खरीद रहे हैं और दो बेच रहे हैं। गए यहाँ पे मोहब्बत की दुकान जो खोली है, समझे, ये बात जो है सारे इन्होंने 8 साल के अंदर सिर्फ मोदी सरकार ने यही विकास किया है, सिर्फ नफरत की दुकानें और मार्केटें सजाई हैं। लेकिन अब वो तो मछली गाड़ी घूम रहा है, चूड़ीदार पैजामा पहन के गाड़ी बढ़िया कटवा के, मोदी जी चोर है सारे देश की, तेरा पार्टी बेच ली खा ली, लाल किला भी खा लिया देश के। अरे प्रधानमंत्री को कोई ऐसा चोर है, चोर जो देखने में और बोलने में अच्छा नहीं लगता है लोगों को, वो आगे जाकर लोग ये समझिए सुनिए, मोदी जो चला रहे ना देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, इनके पीछे राहुल गांधी की जो यात्रा है ये हमको लग रहा है, पूरी तरह से विश्वास हो रहा है कि बहुत उभर के 2024 में आएगी, ये समझ लीजिए, ये बहुत ही उभर के, जैसे लोग कह रहे हैं कांग्रेस सो गई है, ये इतनी उभर के आएगी कि लोग देख के और दंग हो जाएंगे। अच्छा आपने राहुल जी को सुना? हाँ जी सुना। कौन सी बात उनकी ज्यादा अच्छी लगी? उनकी सारी बात अच्छी लगी। हाँ। क्या समझे? हाँ। जो देखने में और बोलने में अच्छा नहीं लगता है लोगों को, हाँ। वो आगे जाकर लोगों के लिए बहुत फायदा पहुंचाता है, इसको समझिए। तो क्या राहुल जी अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या देखने में? बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये किसके लिए है? अच्छा नहीं लग रहा है, ये इशारा किधर था? राहुल के बोलिए, समझिए सुनिए, मोदी जो चला रहे ना देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, इनके पीछे अडानी अम्बानी चला रहे देश को, ये नॉमिनेटेड समझ रहे, जो हम 95 रुपए लीटर फॉर्चून का तेल लेते थे वो 200 रुपए लीटर हो गया, ये है अडानी का, ठीक है, अडानी के पास 60,000 करोड़ रुपए था 14 में, अभी उनके पास 9 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गया है? ये बता आप क्या कह रहे हो, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, आप क्या बोल रहे हो? मोदी जी चोर है सारे देश की, तेरा पार्टी बेच ली खा ली, लाल किला भी खा लिया देश के। अरे प्रधानमंत्री को कोई ऐसा चोर है? चोर है प्रधानमंत्री, नोटबंदी की चोरी की और क्या किया? अरे वो आपके विकास के लिए चोर है, हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान को जन्म दिया, विकास हुआ है, हिंदुस्तान की जनता को चूतिया बनाया, यही किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया, दूसरे चूतिया बनाया, रात दिन झूठ बोलते हिंदू मुस्लिम। अरे वो इतने ढेर सारे आप लोग के लिए योजना लाए, 18 घंटे कार्य कर रहे हैं आप लोग, नोटबंदी की तो थी, वो तो मछली गाड़ी से घूम रहा है, चूड़ीदार पैजामा पहन के गाड़ी बढ़िया कटवा के, वो तो मछली से घूम रहा है आराम से, 18 घंटा काम कर लोग चला रहे हैं, अदानी अंबानी अमित शाह और मोदी दो खरीद रहे हैं और दो बेच रहे हैं, क्या लग रहा है? आप क्या कर रहे हैं? ये सर पेट्रोल के हैं, सीएनजी इतनी महंगी हो गई है जो पेट्रोल का मुकाबला कर रही है, सीएनजी पे अपने महंगाई कर दी है, तो सीएनजी बनवाने पे कुछ बचता नहीं है, कोई काम नहीं होता है, इतनी महंगा है, तेल महंगा मिल रहा है, तेल भी महंगा मिल रहा है, सीएनजी भी महंगी हो गई है, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अभी जो 2 लाख करोड़ दे रहे हैं अडानी को, सीएनजी भी महंगी कर दी आपने, हमारे गणेश जी हैं जो हमारे काम करते हैं जिनके पास, उनके बेचारे गाड़ियां सी एन जी इतनी महंगी होती है, उन्होंने काम ही थोड़ा बंद कर दिया है, लोगों ने उनके पैसे ही मान लिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं जो 8 साल में जनता ने देखी है भारत की, सारी जनता समझ चुकी है इनका नौटंकी, और राहुल गांधी जो एक बात कह के गए यहाँ पे कि मोहब्बत की दुकान जो खोली है, समझे, ये बात जो है सारे इन्होंने 8 साल के अंदर सिर्फ मोदी सरकार ने यही विकास किया है, सिर्फ नफरत की दुकानें और मार्केटें सजाई हैं, लेकिन अब सन 2024 के अंदर इनका धंधा नफरत की दुकानें ऐसे ही बंद होंगी जैसे गरीब और मजदूर आदमी की इन 8 सालों के अंदर धंधा मजदूर बंद हुआ है। अच्छा एक सवाल ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या ये नफरत की राजनीति हो रही है? नहीं 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 नहीं, मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम प्रवीण जी है। आगे जो